Hello friends, as you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So in this video, we are totally focusing on class 10th level biology concepts. So as you all know, we are discussing genetics nowadays. So today's topic of discussion is sex-linked inheritance. So sex-linked inheritance, as the name suggests, sex-linked inheritance, as the name suggests, I think in my previous video, I told you about two types of chromosome. One is autosomes and another was sex chromosome, that is allosomes, you can say, or you can write here sex chromosome. तो जो sex chromosome की अगर हम लोग बात करें, तो sex chromosome हमारे पास दो तरीके के हैं. अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम हैं, एक्स और वाई. अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा और मेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई, दैट इज फीमेल एंड दिस इज मेल. इतना डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होता क्या है. जब भी कोई ट्रेट वर्ड मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए नया नहीं होगा. अगर किसी को भी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके वॉच करें, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी या बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ है और उसमें आपको ट्रेट और करेक्टर वर्ड क्लियर हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे दोबारा से अगर वही वही चीजों का डिस्कशन करेंगे तो हमारा कंटेंट आगे बढ़ नहीं पाएगा. तो हम लोग आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब भी ट्रेट्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, व्हेन द ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय जीन लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्स क्रोमोसोम में हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है. ओके, तो जब भी एक्स और वाई क्रोमोसोम पे होंगे तो हम लोग उनको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलेंगे. और सेक्स लिंक इनहेरिटेंस दो तरीके का हो सकता है, एक्स लिंक और वाई लिंक, एक्स लिंक और वाई लिंक. तो वाई लिंक डिजीज वो डिजीजेस होंगी जो बेसिकली सिर्फ मेल्स में होंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही मिलेगा और जो एक्स है वो मेल फीमेल दोनों में. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड आता है, हेट्रोगैमेटिक एंड होमोगैमेटिक. होमो आपको मैंने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस ऑलरेडी बताया हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, होमो मीन्स सेम गैमिट्स एक्स एक्स एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट गैमिट्स. तो यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि कुछ डिजीजेस सेक्स क्रोमोसोम में, अगर हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करें तो कुछ डिजीजेस डोमिनेंट हैं और कुछ डिजीजेस रिसेसिव हैं. तो अगर हम एक्स लिंक की बात करें तो एक्स लिंक रिसेसिव भी होती है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी होती है. उसी तरह अगर हम लोग वाई लिंक की बात करें तो वाई लिंक में डोमिनेंट ही मोस्टली मिलता है. जैसे कि हम लोग बात करें अगर वाई लिंक डिजीजेस में तो हाइपरट्रिचोसिस, जिसको कि हम लोग हेयर ओवर ईयर पिन्ना बोलते हैं, ज्यादातर आपने मेल्स में देखा होगा ऐसा कि जो हमारा ईयर का पिन्ना रीजन है उसके ऊपर हेयर्स की आउटग्रोथ हो जाती है. तो हम लोगों को 10th लेवल पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस को और एक्स लिंक डिजीजेस को. द जीन फॉर हीमोफीलिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रेसेसिव जीन विच इज फाउंड ऑन एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम पर है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगी, कई बार बोर्ड लेवल पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई मेल्स आर मोर प्रोन टू हीमोफीलिया लाइक डिजीजेस. ओके, तो ऐसा क्यों होता है. द जीन फॉर हीमोफीलिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव जीन. जैसे कि आपने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सारी डिजीजेस सुनी होंगी. तो जो भी जीन हीमोफीलिया की होगी वो ऑटोसोमल रेसेसिव जीन है, जो कि हमें कहाँ पर मिल रही है, एक्स क्रोमोजोम पे मिल रही है. ओके, एक्स और वाई और एक्स क्रोमोसोम है हम लोग के पास एक्स वाई. तो अगर किसी मेल के पास, सो इफ मेल हैव जीन इन देयर एक्स क्रोमोसोम, भाई मेल के पास अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये मेल है और ये फीमेल, तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा है इफ मेल हैव जीन इन देयर एक्स क्रोमोसोम. किसी मेल के पास अगर कोई डिफेक्टिव जीन है, सपोज हीमोफीलिया का है एच, तो अगर एक्स के पास है सो ही ऑब्वियसली एज हीमोफीलिया, इसको हीमोफीलिया होगा ही होगा. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का दे रही हूँ, इसको आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है स्टूडेंट्स. तो
तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में. इसमें देखिए, इसमें हमारे पास एक्स 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 वाई एक्स एच वाई, चूंकि हम लोग हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं, एक्स एच एक्स एच और एक्स एच और एच, चार तरीके के जीनोटाइप्स मैंने आपके सामने लिखे हुए. इन जीनोटाइप्स में आपको ये तो पता ही है, दिस इज नॉर्मल फीमेल, दिस इज नॉर्मल मेल. अगर हमको मेल को डिफेक्टिव करना है तो उसके एक एलील के डिफेक्टिव होने से काम चल जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये डिजीज किस पे है, किस क्रोमोसोम पे इसका जीन मिल रहा है, एक्स क्रोमोसोम पे. इसका मतलब कि एक्स यहाँ पे जो चांसेस हैं वो ज्यादा प्रोन है. देखिए आप फिर से सेंटेंस को पढ़िए, इसलिए मैंने ये इस पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं. इफ मेल हैव जीन इन देयर एक्स क्रोमोसोम देन ही ऑब्वियसली हैज हीमोफीलिया. हाउएवर एज फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोसोम, और आपको पता है कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, बोथ हर एक्स क्रोमोसोम नीड टू हैव द जीन फॉर हर टू हैव हीमोफीलिया. फीमेल तभी डिफेक्टिव होगी जब उसके दोनों एलील डिफेक्टिव होंगे. अगर हम लोग बात करें कि हीमोफिलिक फीमेल कब होगी, तो आपको इस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा तो ही होगी. अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक्स एच एक्स क्या है. अगर ये नॉर्मल फीमेल है और ये हीमोफीलिया वाली फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, ये हीमोफीलिया वाला मेल है, तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, कि जितने भी फीमेल्स होती हैं, पहली बात तो वो कैरियर होती है. कैरियर का मतलब वो डिजीज को अपने नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा सकती है, ऑल्दो वो खुद उनका जो फीनोटाइप है वो नॉर्मल होगा. कैरियर आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैविंग नॉर्मल फीनोटाइप. इनका जो फीनोटाइप है वो कैसा होगा, नॉर्मल फीनोटाइप. इसका मतलब ये फीमेल खुद नहीं है हीमोफिलिक, इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक छुपा हुआ करेक्टर है हीमोफीलिया का, जो कि इसकी नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है. अभी हम लोग एक इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके भी देख लेंगे, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है. फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, श्योरली मैं वहां पर रिप्लाई करूंगी आपको. तो इसमें लिखा हुआ है कि बोथ हर एक्स क्रोमोजोम नीड टू हैव जीन फॉर हर टू हैव हीमोफीलिया, विच मीन्स दैट इवन If both her parents have the gene, she has only a 50% chance unless both her parents have hemophilia. Her mother has gene in both her X chromosome, which is very, very rare. ऐसा बहुत ही कम होगा. तो देखिए हम लोग इसका एक क्रॉस करा के देखते हैं, इससे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी चीजें. हम लोग यहाँ पे लेते हैं बस स्टूडेंट्स, मैं एक आपको प्रॉब्लम करके दिखा दे रही हूँ, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और एज्यूम करिए. देखिए यहाँ पे अगर हमने फीमेल को लिया, नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया नॉर्मल फीमेल, और इसकी शादी हम लोगों ने कराई, सपोज इसकी मेटिंग करा रहा है, ये फीमेल जो है मेटिंग कर रही है एक ऐसे मेल के साथ जिसको हीमोफीलिया था. तो आप अपना उसी तरीके का पनेट स्क्वायर बना सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करके. आपको पता है यहां से जो सेपरेट होंगे एलियंस एक्स और एक्स होंगे, और यहां से जो सेपरेट होंगे एलियंस एक्स एच और एक्स होंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स एच एक्स एक्स एच एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए था, ओके एक्स वाई एंड एक्स वाई. यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर फीमेल नॉर्मल है तो भी फीमेल नॉर्मल जितनी भी डॉटर्स हैं वो आपको नॉर्मल ही दिखेंगी, ये एक्स हो, ओके. देखिए दोनों ही फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन दोनों की दोनों कैसी हैं, कैरियर है. इसका मतलब कि ये आगे जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन में कोई प्रोजेनी आएगी तो उसमें हीमोफीलिया होने के चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं, या हो सकते हैं आप ऐसा कह सकते हैं, वो मेल पे डिपेंड करेगा.
यहाँ पर जो मेल है वो पूरी तरीके से नॉर्मल मेल है. ये कैसा मेल है? नॉर्मल. आपको दिख रहा है? दिस इज नॉर्मल मेल. चलिए अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं. इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे ले लेती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस फीमेल को भी हीमोफीलिया कर दिया. सपोज एक्स एच एक्स एच. आप देखिए आपके पास कितने मिलेंगे, एक्स एच एक्स एच, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स एच और एक्स एच वाई. इसका मतलब यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे 100% उनको हीमोफीलिया होगा. ऑल आर डिजीज्ड. देखिए ये फीमेल है डिजीज्ड है, ये फीमेल है डिजीज्ड है, ये मेल है डिजीज्ड है, ये मेल है. इसका मतलब हमने जो पेरेंटल लिया, जिनको पेरेंट्स को एज्यूम करा, वहां पे फीमेल को भी हीमोफीलिया थी और मेल को भी हीमोफीलिया था. तो यहाँ से आप इस पॉइंट को, जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है आज के लेक्चर का, वो सिर्फ आपको इतना नोट करना है कि प्रॉब्लम्स बेसिकली यहीं से आने वाली है एग्जाम्स में, कि दिस इज नॉर्मल फीमेल. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, दिस इज नॉर्मल मेल, दिस इज हीमोफिलिक मेल एंड दिस इज हीमोफिलिक फीमेल एंड दिस इज कैरियर फीमेल बट हैविंग नॉर्मल फीनोटाइप. ओके सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतने कुछ. हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो वाई लिंक डिजीज मैंने आपको बता दी, कुछ डिजीजेस होती है जो एक्स लिंक डोमिनेंट होती है, कुछ डिजीजेस एक्स लिंक रिसेसिव होंगी. ओके तो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी जीन पे लोकेटेड है, रिसेसिव पे है या डोमिनेंट पे है. तो बेसिकली हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है. तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही. बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ. आपको जो भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं और उस पर आपको रिप्लाई मिलेगा. और आप हमें ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करेंगे. और एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी कि आप चाहें तो मैं एक YouTube पे अपना लाइव सेशन दूंगी, जिसके लिए मैं आपको एक पहले से वीडियो अपडेट कर दूंगी और उसका टाइमिंग. और होपफुली मैं YouTube पर का जो वीडियो लाइव आऊंगी, YouTube पे जो लाइव सेशन होगा, उसके लिए मैं आपको टाइम पहले से डिसाइड करके एक पोस्ट कर दूंगी. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर.